सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.13 की क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, देखिए ये है गिवन है आपका इंटीग्रेशन आई, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लिख दिया हमने गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल कितना, अब देखिए साइन एक्स को ऊपर है तो हम लिख दिया साइन फोर एक्स को क्या करते हैं हम, ये इसको हम लिखा साइन टू इंटू टू एक्स, यानी टू इंटू टू इक्वल टू फोर हो जाएगा, तो साइन टू इंटू टू एक्स ठीक है, इतना लिख दिया हम इसका। फिर आप देखिए अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो साइन टू थीटा फॉर्मूला पे हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ देखिए टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टू एक्स को आप थीटा मान लीजिए तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा ठीक है, इतना तो हो गया। आगे देखिए साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स ठीक है, और कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी हमने फॉर्मूला इसका रख दिया, फॉर्मूला के रूप में जो है उसको रख दिया, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है। तो टू इंटू टू इज इक्वल टू वन बाई फोर, तो वन बाई फोर बाहर आ गया, बचा आपका क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए साइन एक्स ये वाला और ये वाला कट गया ठीक है, तो बचा आपका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिए बचाइए, तो ये भी लिख दिया इतना डी एक्स। अब हम क्या किए फर्दर, ऊपर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में भी देखिए कॉस एक्स से डिवाइड दे दिए ठीक है, तो देखिए आपका क्या हुआ कॉस एक्स डी एक्स ऊपर में आ गया और नीचे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसके जगह पे हमने क्या किया है इतना लिख दिया है ठीक है। नाउ आप देखिए हम क्या किए हैं, इतना फॉर्म में आ गया आपका इंटीग्रेशन इस रूप में आ गया। अब हम क्या किए हैं साइन एक्स को जेड मान लिए हैं, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो गया। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाई फोर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या डिजिट, तो डिजिट लिख दिया हम इसके जगह पर डिजिट अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या जेड, तो वन माइनस जेड स्क्वायर हो गया इन टू वन माइनस टू जेड स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना तो जेड स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब देखिए इसको वन ए इसको वन माइनस जेड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम, तो देखिए क्या है ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी होगा ना, ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला पे इसको जो था वैसे ही लिख दिए ठीक है। आगे देखते हैं अब हम क्या किए हैं, ये आपका थ्री फैक्टर के रूप में आ गया है ठीक है, थ्री फैक्टर्स वन टू थ्री देख लीजिए पीछे में वन टू थ्री, तो तीनों के लिए अलग अलग ए बी सी यूज करना पड़ेगा। देखिए थ्री फैक्टर्स है तो फर्स्ट फैक्टर के लिए ए अपॉन वन माइनस जेड, सेकेंड फैक्टर के लिए बी अपॉन वन प्लस जेड, और थर्ड फैक्टर के लिए सी अपॉन वन माइनस टू जेड स्क्वायर। नाउ अब हम क्या किए हैं एलसीएम लिए हैं तीनों का, तो एलसीएम लीजिएगा तब इतना रहेगा, अब इससे एलसीएम डिवाइड दिए तो बचा आपका ये तो कट जाएगा, तो ये बचाइए और ये, तो इन दोनों से ए में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर इससे हम बी में इससे डिवाइड दिए एलसीएम में ये कट गया तो बचा आपका ये और ये, तो इससे इससे हमें बी में मल्टीप्लाई कर दिए हैं ठीक है। इसी प्रकार इससे जब हमने एलसीएम डिवाइड दिया तो ए कट गया बचा ये और ये, तो इन दोनों से हमने सी में मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक है। अनाव आपका देखिए इस दिस पार्ट इक्वल है तो ये कट जाएगा आपका, तो बचा आपका इधर वन और इधर बचा आपका ये वाला पार्ट बच गया ठीक है। अब नाउ देखिए ए बी और सी का हमको वैल्यू निकालना है, तो ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं जेड इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो आपका जब जेड इज इक्वल टू वन पुट करेंगे हम तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा वन बाई टू, बाकी बी और सी जो है जीरो हो जाएगा, तो ए का वैल्यू निकलेगा आपका माइनस वन बाई टू,
इसी प्रकार जब जेड इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा आपका माइनस वन बाई टू, ठीक है। और जेड इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पुट कीजिएगा तो आपका सी का वैल्यू निकलेगा टू, ठीक है। नाउ अब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये है, ठीक है, वन बाई फोर ये आपका इंटीग्रेशन है। इसके जगह पर जो ए लिखा जाएगा ये वाला पार्ट तो लिख दिए हैं, देखिए है ना, थ्री फैक्टर्स कर दिए हैं। अब हम क्या किए हैं, वन बाई फोर ए बी सी जो तीनों कांस्टेंट है तो सबको बाहर कर लिए। देखिए यहाँ पे बाहर है ए भी, और वन बाई फोर जो है तीनों में है तो तीनों में वन बाई फोर मल्टीप्लाई किए हैं। अब ए बी और सी तीनों का वैल्यू पुट किए हैं तो माइनस वन बाई टू ए का वैल्यू, वन बाई फोर बी का वैल्यू, वन सॉरी माइनस वन बाई टू बी का वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं इसका, तो लॉग वन माइनस जेड, लेकिन जेड का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन से डिवाइड भी दिए हैं, देखिए प्लस वन बाई फोर इसका इंटीग्रेशन लॉग वन प्लस जेड, और प्लस वन बाई फोर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको वन माइनस टू जेड स्क्वायर, वन को हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, और टू जेड स्क्वायर को रूट टू जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, टू जेड स्क्वायर को रूट टू जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा तो वन बाई एट, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका वन बाई एट लॉग वन माइनस जेड, ये देखिए माइनस है तो माइनस वन बाई एट लॉग वन प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू वन बाई टू ए, जस्ट अ मिनट, देखिए ये टू कहाँ से है, टू जो है सी का वैल्यू है तो टू, और ये वन बाई फोर तो टू बाई फोर लिखा गया है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही हो जाएगा वन बाई टू सिंप्लीफाई होगा तो, और देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आता है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपका ये है तो इंटीग्रेशन होता है आपका वन अपॉन टू ए, टू ए से, ठीक है, वन अपॉन टू ए लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन अपॉन टू ए, ए वन अपॉन टू ए आपका क्या है, ए वन है तो वन इंटू टू इंटू वन हो गया। अब ये देखिए टू रूट टू कहाँ से आया था, ये आपका, और इसको इंटीग्रेशन क्या होगा वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, लेकिन एक्स का ऑप्शन क्या है रूट टू है तो रूट टू से डिवाइड दिया गया है, ठीक है, समझ गए। ये आपका वन बाई टू आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाई टू ए, तो ए आप इज इक्वल टू वन, तो टू इंटू वन, लेकिन एक्स का ऑप्शन क्या है रूट टू है तो रूट टू से डिवाइड दिया गया है, इतना समझ गया, इस फॉर्म में आ गया इतना। अब आगे देखिए इन दोनों में से हमने क्या किया है माइनस वन बाई एट कॉमन कर लिया, तो माइनस यहाँ पे वन बाई एट कॉमन किया था, यहाँ बचा आपका माइनस लॉग वन माइनस जेड, तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो, इसमें से माइनस कॉमन किया माइनस वन बाई एट तो बचा आपका इतना, ये वाला से बचेगा प्लस में लॉग वन प्लस जेड, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका वन अपॉन फोर रूट टू, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस रूट टू जेड अपॉन वन माइनस रूट टू जेड प्लस ए। वहाँ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो आपका ये है इसमें से माइनस वन बाई एट हमने कॉमन कर लिया, बचा आपका लॉग, अब देखिए अब इसको आप एम मान लीजिए, लॉग एम माइनस लॉग एन इजिकल लॉग एम माइनस लॉग एन इजिकल टू हो जाएगा लॉग एम बाई एन, ठीक है, फॉर्मूला पर पुट करते हैं इसको, यहाँ तक है कॉमन किए हैं, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वन बाई एट कॉमन था लॉग एम बाई एन फॉर्मूला पे अपॉन सॉरी प्लस वन अपॉन फोर रूट टू लॉग वन प्लस रूट टू जेड अपॉन वन माइनस रूट टू जेड प्लस सी, ठीक है। अब हमें जेड का वैल्यू पुट करना था, देखिए जेड का वैल्यू पुट किया तो वन प्लस एन एक्स हो गया, और ये वन माइनस जेड है तो वन माइनस एन एक्स, वन अपॉन फोर रूट टू लॉग यहाँ जेड का वैल्यू इज इक्वल टू साइन, तो साइन एक्स लिख दिया हमने, ठीक है, इतना हमने लिख दिया, और ये प्लस सी आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, यह आपका क्वेश्चन है, या कि हम नीचे वाले डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड दिए हैं, तो आपका क्वेश्चन जो आता है वन बार में वन आता है क्वेश्चन,
इसको हम देखिए तो लेट, अब आपका इंटीग्रैंड ए ना इतना लिख लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ये बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जस्ट ऐसा ही, बस उससे देखकर आप समझ सकते हैं कि सॉल्व किया गया है। इससे इसमें डिवाइड नहीं था, आपका रिमाइंड क्वेश्चन आया 1, और फिर बचा आपका बाकी जो तीनों बचा है नीचे वाला, उसको तीनों तीन फैक्टर है, तो ये फर्स्ट फैक्टर के लिए, सेकंड फैक्टर के भी और थर्ड फैक्टर के लिए सी ले लिए हैं। यानी जो आपको बुक में मेथड है सॉल्व करने का, उस मेथड पे हमने इतना लिख दिया इसको, ठीक है। फिर इतना इसको इन तीनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फैक्टर, देखिए 1 2 3, ठीक है। एलसीएम से इसमें 1 में मल्टीप्लाई किया तो आपका इतना रहेगा। अब देखिए इससे एलसीएम डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये, तो इन दोनों से ए में मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये हैं। इसी प्रकार बी, बी से अगर डिवाइड देते हैं इसमें तो ये कटेगा, बचेगा ये और ये, तो इन दोनों से बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए कि है x+1 × x+3। इस प्रकार सी से जब इसमें डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये, तो इन दोनों पार्ट से सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन एलसीएम। तो ये पार्ट आपका कट गया, बचा इधर आपका इतना ये वाला, और बचा आप इधर इधर बचा आपका ये वाला, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकालना हमको, तो x=1 पुट करेंगे तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा -12। इसी प्रकार जब बी का वैल्यू निकालना होगा तो जो x पुट करेंगे -2। ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जब आपका बी और सी 0 हो जाएगा तभी ए का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू बी और सी को 0 करने के लिए हम x=-1 पुट करते हैं, तो देखिए बी और सी 0 हो जाएगा, देखिए आपका ये है, तो x=-1 - 1+1 = 0, तो ये टोटल 0 बन जाएगा, -1 + 1 = 0, तो ये भी टोटल 0 हो गया। यानी आप अब ये भी देखिए, अगर ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी, यानी ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों 0 हो, बचेगा ये, देखिए आपका ए का वैल्यू निकल गया -12। इस प्रकार बी का वैल्यू निकालना है तो हम पुट करेंगे -2, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा आपका 60। इसी प्रकार जब सी का वैल्यू निकालना है तो हम पुट करेंगे -3, देन आपका सी का वैल्यू बनेगा -60। नाउ इंटीग्रेशन देखिए इतना था, इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया हम इसको, 1 था तो dx भी बचेगा, बाकी ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो बाहर गया आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ए का वैल्यू रख दिया हमने -12 है रख दिया, इसका इंटीग्रेशन लॉग x+1, ठीक है, बी का वैल्यू 60, और इसका इंटीग्रेशन लॉग x+2, सी का वैल्यू -60, लॉग x+3 + 8, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स लिख दिया इसको, अब +60 है तो इसको पहले लिख दिया, ये -12 लॉग इसको थर्ड में, ये फोर्थ में, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू x+60 लॉग x+2, तो 12 × 5 = 60 ना लिख सकते हैं हम, तो 60 लॉग x+2 हो जाएगा, ये -12 लॉग x+1, ये भी -60 था, यहाँ -60 लॉग x+3 था, ठीक है। तो -12 × 5 लिख सकते हैं इसको हम, और ये देखिए अब मैं जो है एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, होता है आपका लॉग एम पावर एन, एन लॉग एम एम, ठीक है, लॉग एन लॉग एम इज इक्वल टू होता है आपका लॉग एम का पावर एन, ठीक है। ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो हो गया 5, 5 क्या हो जाएगा, एन के रूप में होगा, तो एन जो है इधर आके पावर में चल जाएगा, ठीक है, और ये x+2 एम के रूप में काम करेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 12 लॉग x+2, ये 5 तो पावर में आ जाएगा, तो x+2 का पावर 5, ठीक है। इस फॉर्मूला पर इसको वैसे ही लिख देते हैं, और इसको देखिए यहाँ पे भी 5 को हम क्या किए हैं, पावर में ले जा रही है इस फॉर्मूला के आधार पर, तो x+3 का पावर 5, ठीक है। इसका देखिए इसको 12 लॉग x+2 का पावर 5 हो जाएगा ये, इसको मैं अब हम क्या किए, इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें हमने 12 कॉमन कर लिया है, -12 कॉमन किया है, ठीक है। देखिए ध्यान से, बचा आपका लॉग x+1 और इसमें बचा प्लस लॉग x+3,
का पावर 5, तो लॉग एम प्लस लॉग एम, आप इसको एम एन मानिए या एम मानिए, एम मान लीजिए एम लॉग एम प्लस लॉग एन। देखिए फॉर्मूला एक और बता रहे हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम एन, ठीक है, लॉग एम एन होता है। इसी आधार पर लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू, आगे देखिए हम बता रहे हैं इतना हो गया, तो एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स प्लस ट्वेल्व लॉग इतना को इसको हम लिख दिए यहाँ पे, माइनस ट्वेल्व कॉमन था तो लिख दिए लॉग एम और एन, तो लॉग एम एन, एम एन लिख दिए, देखिए एम और ये एन प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, इतना हो गया प्लस ये। अब देखिए अब हमें इसमें और इसमें हमने क्या किया है, एक्स प्लस, अब हमने क्या किया इसमें और इसमें, इन दोनों में 12 कॉमन कर लिया इसमें से, तो बचा आपका यहाँ पर एक्स प्लस टू का पावर 5, यहाँ बचा लॉग एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री का पावर 5 प्लस ए, ठीक है। तो लॉग इसको देखिए, अब लॉग एम माइनस लॉग एन इजिकल टू क्या आता है, लॉग एम बाई एन, बहुत बार हमने यूज किया है, तो देखिए इसको हम लिख देते हैं लॉग एम बाई एन, एम आपका ये हो गया, एन ये दोनों हो गया, तो लॉग एम बाई एन फॉर्मूला पे प्लस सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है, देखिए ट्वेंटी ग्रैंड है, देखिए फर्स्ट फैक्टर आपका रिपीटेड पावर फैक्टर है, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट फैक्टर के लिए 1 पावर यूज करेंगे, सेकंड फैक्टर के लिए 2, तो फर्स्ट फैक्टर के ए अपॉन एक्स प्लस 1, सेकंड फैक्टर के लिए बी अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर स्क्वायर 2, क्योंकि दो फैक्टर है, दो स्क्वायर है ना, और इसके थर्ड क्वाड्रेटिक है, तो सी एक्स प्लस डी ले लिए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर देखिए इतना इतना इसमें डिवाइड दीजिएगा एलसीएम में, तो बचेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिए हैं जो बचा था, इससे इसमें डिवाइड दीजिएगा तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं आपका कैसा आ गया है इतना ये सब, तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा आपका इधर वन और उधर बचेगा ये वाला, ये सब जो बचा है ये, ठीक है। अब हमको ए बी और सी और डी का वैल्यू निकालना है, इसको जो ध्यान से देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तो एक्स इजिकल टू माइनस वन पुट करते हैं हम, एक्स इजिकल टू माइनस वन तब हमको वैल्यू मिल रहा है आपका, देखिए आपका ए बी का वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब एक्स इजिकल टू जीरो पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी इजिकल टू 1 आ जाएगा, वेन जब एक्स इजिकल टू जीरो पुट कीजिएगा तो आपका आएगा ए प्लस बी प्लस डी इजिकल टू 1, तो ए प्लस डी हम लेते हैं और 1 माइनस बी करते हैं, बी को साइड लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा माइनस बी, तो 1 माइनस बी का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, बी का वैल्यू हमने रख दिया माइनस 1/2, ठीक है हो गया, तो आपका आएगा ए प्लस डी इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो 1/2 हो गया, ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम। अब हमको ए का वैल्यू निकालना होगा, तो 1/2 माइनस डी कर जाएगा तब ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे ये यहाँ पे हम बताएंगे कि ए का वैल्यू कैसे 1/2 आ गया, ठीक है। नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 देखते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 जब हम पुट करते हैं तब आपको क्या होता है, देन वी गेट इतना, देखिए ए पुट कीजिएगा आपका 1 तो आपका आएगा 4a प्लस 4c प्लस 4d प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो आपका क्या किया, इस तीनों में से हमने क्या किया 4 कॉमन कर लिया है, तो बचा a प्लस d प्लस c, और ये कटेगा तो बचेगा 1, तो 1 माइनस 1 जाएगा तो इधर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4a प्लस d प्लस c प्लस c इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी a प्लस d प्लस c इक्वल टू 0, और ए प्लस डी इजिकल टू कितना वैल्यू है, ए प्लस डी इजिकल टू 1/2, तो ए प्लस डी इजिकल टू 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस ए इजिकल टू इतना इजिकल टू 0, तो सी का वैल्यू मतलब क्या है माइनस 1/2 निकल जाएगा, ठीक है। ए प्लस डी का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ 1/2 ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे इससे भी समझ सकते हैं कि 1/2 में सी का कौन सा वैल्यू जोड़े कि ये 0 हो जाए, तो माइनस सिंपल है कि माइनस सी इजिकल टू अगर माइनस 1/2 हो तभी ये 0 हो सकता है, सी इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 2, जब हम एक्स इक्वल टू पुट करते हैं तब
यहाँ पे इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है, जब टू पुट की जाएगा तो आगे देखें, देन 1 = 15 है प्लस 5 भी प्लस 18 c प्लस 19, इतना आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। 15 है प्लस 5 भी प्लस 18 c, c का वैल्यू जो था -1/2, तो -1/2 पुट किया हमने, प्लस 90 = 1, ठीक है। तब यहाँ आइए, 15 है प्लस b का वैल्यू था 1/2, तो 5/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका हो जाएगा -9 प्लस 90, ठीक है, = 1। तो 15 है प्लस 90, ठीक है, ये वाला 15 है प्लस 90 लिख दिए, ये -9 था तो इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा, 1 + 9 = 10, और ये 5/2 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/2, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 20 - 5 = 15/2, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब हम क्या किए हैं, ए का वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, ए का वैल्यू आपका देखिए यहाँ से, ए का वैल्यू आपका निकलेगा क्या, 1/2 - d, ए का वैल्यू ये है, तो पुट किया देखिए 15 a में, आपका था यहाँ 15 है, तो 15 a = 1/2 - d पुट किए प्लस 90 = 15/2, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई होगा 15/2 - 15 d प्लस 90 = 15/2, ये देखिए ये 0 कर देगा, बट आप -15d + 9d = -6d = 0, जब ये इधर आएगा तो -0 हो जाएगा, ना 0 हो जाएगा तो -6d = 0, तो d का वैल्यू आ गया 0। इसी आधार पर हमने देखिए यहाँ पे किया था, 1/2 - d = d का वैल्यू तो 0, तो 1/2 - 0 = 1/2, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आपका ये है, ये देखिए तीनों फैक्टर दिस पार्ट दिस पार्ट, तीन फैक्टर ग्रुप में है, ए बी सी तीनों जो कांस्टेंट है, तो हमने बाहर कर लिया, लिया सी 0 0 था डी, तो इसको तो 0 नहीं लिख सकते हैं, सी एक्स बचेगा सिर्फ यहाँ पे, तो सी कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर लिया, इतना हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू 1/2, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1, बी का वैल्यू 1/2 इसका इंटीग्रेशन -1/(x+1), आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है, हमने बहुत ही बार किया है। सी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, सी का वैल्यू था क्या -1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा देखिए क्या करते हैं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से डिवाइड किए हैं, तो यह हो जाएगा 2x dx / 2, यहाँ पे देखिए 2, यह हो जाएगा x² + 1। नाउ इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 x + 1 हो जाएगा, ये -1/4, इसका इंटीग्रेशन देखिए अगर इसको आप जेड मानते हैं तो ऊपर वाला डी जेड हो जाएगा, तो इससे यहाँ पर लॉग जेड हो जाएगा ये प्लस ए। फ्रेंड्स आपका जो आंसर है यहाँ पे -3 दिया हुआ है, वो मेरे हिसाब से गलत है, आपका -1/4 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका -3 आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये है, गिवन है इतना, तो लेट क्या किया हमने x² = y मान लिया, देन इंटीग्रेशन आपका इस रूप में आ गया x² = y dx, ठीक है, इतना, तो y इंटीग्रेंट आपका यही ना है, तो इंटीग्रेंट दो फैक्टर है, तो दो फैक्टर के लिए a b यूज किए हैं, फर्स्ट फैक्टर के लिए, सेकंड फैक्टर के लिए b, एलसीएम लिए तो ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम के रूप में इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपका ये पार्ट कैंसिल, बचा इधर y, इधर बचा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब a और b का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a का वैल्यू है, a का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब b = 0 तो b को 0 करने के लिए हम y = 1 पुट करते हैं, तब आपका a का वैल्यू आ रहा है -1/3 और जब y = -4 पुट करेंगे तब आपका b = हो जाएगा 4/3, यहाँ पर हम देख सकते हैं पुट करके कैसे कैसे आया है 4/3। नाउ a और b का वैल्यू निकल गया, तो नाउ इंटीग्रेशन आपका ये है, दोनों को इसके जगह पर हम इस ए लिख सकते हैं, ये वाला हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है, यानी ए बी कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर लिए, देखिए इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है। अब हमने वाई की जगह पे क्या किया है, वाई था तो डी वाई था, अब एक्स से तो डी एक्स कर दिए, ठीक है, तो x² + 1 हो जाएगा 4/3, बी का वैल्यू 4/3, ये वाई है x² है, 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए ए का वैल्यू -1/3 था तो लिख दिया इसका इंटीग्रेशन 10 inverse x 4/3, इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 ये 10 1/(x² + a² = होता है 1/a 10 inverse x/a,
इट इज फॉर्म ऑफ इंटीग्रेंट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये देखिए कटेगा तो बचेगा टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस ए, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है गिवन है आपका, इतना जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जिसका अभी हमने सोल्व किया। देखिए ये इंटीग्रेंट है इतना, तो हम क्या किया स्क्वायर को वाई मान लिया, तीन इंटीग्रेंट आपका इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेंट इतना है तब दो फैक्टर है, तो दो फैक्टर के रूप में इसको फैक्टराइज कर दिया हमने, एलसीएम दिया इसको, तो इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम के रूप में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब देखिए यह पार्ट आपका इक्वल है तो कर दिया, बचा इधर आपका वाई प्लस वन और इधर बचा आपका ई वाला पार्ट बचा। अब देखिए ए बी और ए और बी का वैल्यू निकल रहे हैं, तो ए का वैल्यू तब निकलेगा जब वाई इक्वल टू माइनस फोर पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा आपका माइनस वन बाई सेवन, ठीक है, और बी का वैल्यू निकल जाएगा आपका एट बाई सेवन। देखिए एट बाई सेवन जब कब, जब वाई इक्वल टू माइनस पच्चीस पुट कीजिएगा तब बी का वैल्यू हो जाएगा आपका एट बाई सेवन। नाउ आपका इंटीग्रेशन है ये है, ठीक है, दोनों को इसके जगह आप हम लिख सकते हैं ये फैक्ट, ये पार्ट जो है दिस पार्ट के इक्वल है। नाउ आगे देखते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हम, ए और बी का वैल्यू पुट किए हैं, तो वन माइनस वन बाई सेवन ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एट बाई सेवन, ठीक है। अब जो था वाई था, वाई इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट किया। अब देखिए चार को हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं और पाँच को, पच्चीस को पाँच का स्क्वायर, ठीक है, लिखना इतना। अब देखिए ये है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, एट बाई सेवन, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन, देखिए ये किस फॉर्म में, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई एज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू पाँच। देखिए हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर ए जो है आपका पाँच है और एक्स जो है एक्स है, ठीक है, समझ गए। तो आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका हो जाएगा ये आपका माइनस वन बाई फोर्टीन टेन इनवर्स एक्स बाई टू, ये सात पाँच पैंतीस आठ बाई पैंतीस टेन इनवर्स एक्स बाई पाँच प्लस सी, आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।